मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार आज अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने सदस्यों को एकजुट रखने के लिए 6 फरवरी को ही व्हिप जारी कर दिया था। हालांकि शेट्टार दावा कर चुके हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। येदियुरप्पा के समर्थन में 13 विधायकों के इस्तीफे के बाद शेट्टार सरकार अल्पमत में आ जाने का खतरा उसके ऊपर बना हुआ था। फिलहाल सदन में बीजेपी के 106 सदस्य हैं, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं, जबकि कांग्रेस के 71, जेडीएस के 26, 7 निर्दलीय और 1 मनोनीत सदस्य। 14 सीटें इस्तीफे के बाद से खाली पड़ी हुई हैं और इन सब के बीच आज जगदीश शेट्टार बजट पेश करने जा रहे हैं सदन में। आपको बता दें कि जगदीश शेट्टार सरकार के ऊपर लगातार खतरा बना हुआ था, क्योंकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उनकी मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। एक तरफ जहां 13 विधायक बीजेपी के पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी से, वहीं दूसरी तरफ दावा येदियुरप्पा का यह भी है कि 5 और विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही वो भी बीजेपी से अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और